लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव उद्यान रामस्वामी रेड्डी ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में सम्मिलित अधिकारियों के साथ उद्यान विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सम्मिलित अधिकारियों से कहा कि वैश्विक काल के दौरान जिस तरीके से परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, उन्हें अनुकूल करने के लिए लोग पेड़ पौधों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में लोगों को अधिक से अधिक पेड़ पौधे उपलब्ध कराने के साथ ही 50 से अधिक किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें बागवानी आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इस दौरान उप निदेशक उद्यान डॉक्टर DK वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आपको पौधे उपलब्ध कराने, यही तो हमें ध्यान रखने की बात है। अगर किसी के 10 पौधे मर गए, वो 100 पौधे ला सकता है, लेकिन 10 पौधे लाने को सिर्फ दिक्कत होगी। तो आप लोगों को ये पौधे व्यवस्था कराना है, तो भाई ये लीजिए, आप अपने किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो 10 पौधे के लिए 50 किलोमीटर नहीं जा सकता, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर नहीं जा सकता। ये सभी के लिए हम कह रहे हैं, जितने जनपद अधिकारी है, सभी प्लांटिंग मटेरियल की व्यवस्था आप अपने गवर्नमेंट नर्सरी से उनको दे दीजिए, पेमेंट दे दीजिए, उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। आप ड्रिप पे भी तो ये करवाते हो, ये भी ड्रिप में उसके केवल एडवांस चेक ले लेते हो, उसे उसके ड्रिप लगवा लेते हो, उसके खाते में पैसा आता है, उसके बाद कंपनी को दे देते हो। तो ये यहाँ भी कर सकते हो इसी काम को। हमें किसान की सहायता करनी है, हमें और अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया करवाया है। आप लोगों ने 50 व्यक्तियों की लिस्ट तैयार कर ली है और माननीय मुख्यमंत्री ने पिछली बार निर्देश दिए थे कि सभी हरपट्टी क्षेत्र में कम से कम 50-50 किसानों को ट्रेन कर सर्वे किया है कि हर हरपट्टी क्षेत्र में 50 किसानों को और एक पैकेज के रूप में सर 4 बार हल तोड़ने के बाद और फिर 2 महीने बाद फिर 2 महीने उन्हीं 50 किसानों को सर पूरे साल भर उसको करवाएंगे सर और उन्हीं के बाद में सर तो हार्वेस्ट में जो ये सारी की सारी चीजें हो गया सरदार जी तो 130 के साथ केवल 90 हुआ है। नहीं नहीं 124 के साथ 113 में पुराने बागों का जीर्णोद्धार 20 का टारगेट है, 0 है जी सर। ये मतलब बजट थोड़ा लेट आया था, वो नहीं पाया था। आप किस सर करें, बजट तो लेट आया था, काम तो पहले कर सकते थे। बजट का तो पता ही नहीं था, सवेर आएगा सर। बजट का पिछले बार पता था कि कोरोना पीरियड चल रहा है, फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जी जी हाँ 80% भी नहीं हुआ। इस साल